Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm creating this look for you. I hope you will like it. Let's get started. So first of all, I'm taking this serum. So this serum is Quince serum for dry skin. If you don't have it, you can use whatever you have to prep your skin because we need it. Then I'm taking this MAC stroke cream for glowy skin. And now I'm taking pea size amount और मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी हाथ के साथ ताकि ये अच्छे से मेरे फेस पे ब्लेंड हो जाए. और मैं इसको क्यों लगा रही हूँ, इसलिए कि मैं अपनी फाउंडेशन को ड्यूई और ग्लोई दिखाना चाहती हूँ. आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है. या नाउ आई एम टेकिंग दिस प्राइमर फॉर माई ओपन पोर्स. इफ़ यू डोंट हैव इट, यू कैन यूज़ एनी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर टू हाइड योर ओपन पोर्स ताकि आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छी और फ्लॉलेस लगे. नाउ आई एम टेकिंग दिस सेफाइड पॉमेड और मैं सबसे पहले अपने जो आईब्रोज हैं उनको ब्रश करूंगी. और एंगल ब्रश यूज़ कीजिए, कोई भी एंगल ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप, जिसके साथ जो पॉमेड है वो बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है. इवन इसके साथ पाउडर जो है वो भी अच्छे से अप्लाई हो जाता है. तो आप कोई भी ले सकते हैं. और मैं अपनी आईब्रोज जो है वो फिल कर रही हूँ जहाँ से मेरी आईब्रोज में गैप है. मेरी आईब्रोज बारीक हैं तो मैं उसको थोड़ा सा थिक दिखाऊंगी, इसलिए मैं उसको अच्छे से फिल करूँगी. सो माई फिल्ड आईब्रोज आर हियर. या Now I am taking this Huda Overachiever Concealer. So shade is in Graham Cracker. और इसको मैं अपनी जो डार्क सर्कल्स हैं उनको हाइड करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही थोड़ी अमाउंट में. और इसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्रश के साथ. ब्रश के साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो सारा क्रीम कंसीलर या जो भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो सारा सक कर जाता है. सो आपको बेटर है पहले ब्रश के साथ अप्लाई करें या आप ईजी जिसके साथ भी करना चाहें, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. सो ब्रश के साथ अप्लीकेशन करने के बाद मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर लूँगी. नाउ आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन और ये फाउंडेशन मेरे पास टेस्टर आया है. सो आई वांट टू ट्राई दिस. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हेयर और आपको भी दिखाऊं मैं कि ये फाउंडेशन कैसी है. आई एम इन लव विद दिस फाउंडेशन. आई गेस एवरीबॉडी इज इन लव विद दिस फाउंडेशन. और ये है टू फेस की बॉर्न दिस वे फाउंडेशन. और मेरा शेड है इसमें नेचुरल बीज जो कि मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ. एंड आई लाइक दिस शेड. और इसको मैं ब्रश के साथ पहले अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. आप कोई भी फाउंडेशन जब लगाते हैं पहले उसको स्प्रेड कर लें और फिर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, डैम ब्यूटी ब्लेंडर अगेन. और मैंने मैक का सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे सेट कर लूँगी. आई एम टेकिंग डार्क कंसीलर इन शेड लाइट. So now I'm applying this concealer under my eye, bridge of my nose, forehead, chin, जहाँ पे मुझे ये brightening करनी है उन सब areas पे मैं ये brightening concealer लगाऊंगी, which is in shade light. और ये देख सकते हैं आप कि मेरी अब under eye को bright कर रहा है और मेरे जो dark circles हैं वो बिल्कुल feel भी नहीं हो रहे हैं. So brush के साथ again मैं इसको apply कर रही हूँ और फिर मैं इसको beauty blender से set करूँगी. आई एम टेकिंग एले प्रो कंसीलर विच इज़ शेड इन टोस्ट. और इसको मैं कंटोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे और ड्रॉ कर रही हूँ अभी जस्ट लाइन्स जहाँ जहाँ मुझे कंटोर करना है. क्रीम कंटोर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंटोर काफ़ी टाइम स्टे करें तो पहले क्रीम कंटोर करें फिर उसके ऊपर पाउडर लगाएं. सो Now I'm blending with beauty blender because it is really easy to blend with beauty blender. क्रीम कंटोर को हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाएगा. कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमें हार्श लाइन्स नहीं छोड़नी है. So now I'm taking Fit Me loose powder which is in shade fair light for baking my under eye and face. I'm applying this on my under eye. और ये बहुत ज़बरदस्त लूज पाउडर है जिससे पैची नहीं होता. एंड अगेन याद रखिए कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने बहुत ज़्यादा देर बेकिंग नहीं करनी है. मैं अपनी फाइन लाइन्स पे भी कर रही हूँ और फिर मैं इसको फोरहेड पे भी. सो मैं इसको दो मिनट्स के बाद डस्ट ऑफ कर दूंगी ताकि मेरी स्किन ड्राई नहीं हो. आई एम टेकिंग हुला ब्राउन्जर फॉर ब्राउन्जिंग माई फेस. और ये बहुत ही खूबसूरत ब्राउन्जर है और इससे मैं अपने फेस पे ब्राउन्स करूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंटोर किया है वहाँ वहाँ वार्म लुक देने के लिए. आप देख सकते हैं आई लव दिस ब्राउन्जर. नोज के लिए मैं छोटा ब्रश ले रही हूँ ताकि ईजी हो. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट शेड फ्रॉम जैकलिन हिल विच इज़ कॉल्ड पुकी. और इसको मैं ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ कर रही हूँ.
So now I'm taking this little bit warm shade which is called Hunt and मैं इसको outer V पे ही apply करूँगी और वहीं पे set भी कर रही हूँ, blend कर रही हूँ circular motion के साथ और ये Morphe का brush है, blending brush. I'm taking third shade and last shade और ये है Hunt और इसको मैं smaller brush के साथ अपनी outer V में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से circular motion में blend कर रही हूँ. Blending is most important thing, so you have to blend your eyeshadows very well. Now I'm taking shade Beam और इसको मैं अपनी finger के साथ ही apply कर रही हूँ, then मैं इसको brush के साथ set करूँगी. I'm taking this glitter, radiant glitter. आप कोई भी glitter ले सकते हैं जो आपके पास available है. इसको मैं अपनी eyelid पे, half eyelid पे apply कर रही हूँ. For eyeliner, I am taking Inglot 77 gel eyeliner, which is black is black and it is really easy to apply. और कोई भी अच्छा eyeliner brush हो तो आपका liner जो है वो wow हो जाता है. Yeah, like wow. I am taking flat brush और मैं black color apply कर रही हूँ अपनी lower lash line के outer corner पे. Now I am taking this pencil brush और ये Morphe का brush है और मैं बस इस कलर को यहीं पे ही ब्लेंड कर दूंगी ताकि जो अच्छी सी ब्लेंडेड लुक आनी चाहिए. आई एम टेकिंग दिस नेक्स्ट जम्बो पेंसिल इन मिल्की और इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ. मस्कारा टाइम. नाउ आई एम टेकिंग दिस मस्कारा फ्रॉम लॉरियल और ये लैश पैराडाइज मस्कारा है. इफ यू आर नॉट इन मूड टू यूज फेक लैशेस सो यू कैन यूज इट. इससे आपकी लैशेस को वॉल्यूम मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत और आपकी अपनी लैशेस ही बहुत खूबसूरत लगती हैं. फॉर हाइलाइटर आई एम टेकिंग दिस क्रीम हाइलाइटर फ्रॉम ज़ेफाइड और ये है चांद और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई कर रही हूँ. फॉर ब्लश आई एम टेकिंग दिस ग्लैमरस ब्यूटीफुल ब्लश पैलेट. नाउ आई एम मिक्सिंग टू शेड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसको मैं अपने कंटूर और हाइलाइटर के बीच में ब्लेंड करूंगी ताकि मेरी सारी चीजें एक साथ ब्लेंडेड लगे. ओके जी, नाउ इट्स टाइम टू लुक. वाओ, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस शेड. दिस इज ब्यूटिफुल रेड शेड एंड आई कैंट एक्सप्रेस माई लव फॉर दिस शेड. दिस इज फ्रॉम ज़ेफाइड एंड शेड इज रूही एंड यू कैन सी दिस. फेक लैशेज आई एम टेकिंग दिस लैश आर्ट लैशेज कॉल दीवा और मैं मैंशन कर दूंगी नीचे. सो दिस इज माई फाइनल लुक. आई होप यू लाइक इट. डू कमेंट योर फीडबैक एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन सो यू कैन गेट माई वीडियोज नोटिफिकेशन. तो अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. बाय बाय.